हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है मॉक ड्रिल। तो हम जानेंगे इस वीडियो में मॉक ड्रिल क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और इसको अपने वर्कसाइट पे कैसे हम कंडक्ट करा सकते हैं, कैसे इसका प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने वर्कर्स को। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे मॉक ड्रिल होता क्या है। तो देखिए, मॉक ड्रिल एक तरह का प्रैक्टिस है, एक तरह का ट्रेनिंग है, जिसकी हेल्प से हम ये समझते हैं कि अगर हमारे लाइफ में किसी तरह का डेंजरस सिचुएशन आ गया, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारे वर्क साइट पे ही अगर एक्सीडेंट हो गया, तो हम कैसे अपने वर्कर्स को, अपने लाइफ को हम सेफ रखेंगे, कैसे जान जाने से हम बचा सकते हैं किसी का। तो इसी में मॉक ड्रिल में हम ये सब सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे इसे कैसे हम करते हैं मॉक ड्रिल को, कैसे साइट पर हम कंडक्ट करा सकते हैं, कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। अभी पहले हम जानेंगे इसका पर्पस क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। वैसे आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के, लेकिन मैं आपको यहाँ थ्योरेटिकली समझाऊंगा ताकि पहले आप समझ पाएँ कि क्या क्या स्टेप्स होता है इसमें, तभी हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो कभी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप थ्योरी समझिए कैसे इसे करना है स्टेप बाई स्टेप। सेकेंड क्वेश्चन है, मॉक ड्रिल इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मॉक ड्रिल इंपॉर्टेंट इसलिए है, हम इसलिए कंडक्ट कराते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि जो भी हमारे इम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, वो एक्सीडेंट के टाइम पे कैसा रिएक्शन करते हैं, उनका क्या एक्टिविटीज़ होता है, क्या फॉलोअप करते हैं, कैसे एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसी को जानने के लिए हम मॉक ड्रिल कराते हैं, ताकि हमें मालूम चल सके क्या क्या कमियाँ हैं, किनको क्या बताना है, ये सब हम इसमें जान सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। तो देखिए, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जब भी आप मॉक ड्रिल कराते हो तो आप अपने वर्कर्स को काफ़ी कुछ सिखाते हो, ये बताते हो कि जब भी एक्सीडेंट हो गया आपके वर्कसाइट पे तो कैसे एक्ट करोगे, किसको इन्फॉर्म करोगे। तो ये फुल्ली प्रिपेयर होते हैं पहले से ही, अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो भी गया रियल में तो उन्हें पता होता है हमें क्या करना है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी लाइफ को हम सेव कर सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और सेकेंड क्या है, उनके मोरल को, उनके कॉन्फिडेंस को हम बढ़ाते हैं, उन्हें ये लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ अगर किसी तरह का किसी को दुर्घटना हो गया। तो मेनली यही है कि उन्हें पहले से हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी एक्सीडेंट से, जो दुर्घटना में नुकसान होने वाला है उससे बचने के लिए। तो आइए चलते हैं अभी मेन टॉपिक पे। तो हम यहाँ समझेंगे कि मॉक ड्रिल को अपने वर्कसाइट पे कैसे कराना है, हमें कैसे कंडक्ट कराना है। तो ये मैं जो आपको मॉक ड्रिल बताने वाला हूँ, ये स्पेशली एक्सीडेंट्स के लिए होगा। अगर आपके साइट पर कोई दुर्घटना हो गया, उसमें कैसे आपको रिएक्ट करना है, कैसे आपके वर्कर्स क्या क्या करेंगे, इसके बारे में होगा। आप अलग अलग एक्टिविटीज़ पर करा सकते हैं। तो अभी मैं बताने वाला हूँ एक्सीडेंट्स के ऊपर कैसे ये करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। तो सबसे पहले आप अपने वर्क साइट पे एक मीटिंग अरेंज करिए, जिसमें आपके वर्कर्स और आपके स्टाफ शामिल होंगे। वहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करेंगे वहाँ पे, क्या क्या हमें करना है, किसका क्या रोल है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब समझाना है। जैसे मान लो उसमें काफ़ी लोग शामिल होंगे, कोई वर्कर होगा जो कि स्टेप सेकंड में क्या होगा, जिसे भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है एज ए मेन रोल प्ले करने के लिए, वो कोई भी वर्कर हो सकता है जो थोड़ा समझदार हो, वो अपना काम करने में लग जाएगा। लेकिन वो जो काम करेगा थोड़ा अनसेफ वे में करेगा, ऐसे मतलब दिखाएगा कि अनसेफ वे कर रहा है, वो रियल में नहीं होगा, क्योंकि हम एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं। तो हम जो भी इसमें करने वाले हैं सारा कुछ ड्रामेटिकली करने वाले हैं, तो अपने काम में वो लगा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा वर्कर काम कर रहा था अनसेफ वे में, उसके साथ कोई एक एक्सीडेंट हो जाएगा, मान लो वो गिर जाएगा, ड्रामा प्ले करेगा, रियल में नहीं होगा, ऐसे एक्ट करेगा कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया है, और वो ज़मीन पे लेट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, एक्सीडेंट होने के बाद जितने भी वहाँ वर्कर्स होंगे उनमें से कोई अपने सुपरवाइज़र को या सीनियर पर्सन को इन्फॉर्म करेगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में वहाँ पे जो भी सुपरवाइज़र्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, वो वहाँ पे आएंगे और विक्टिम को देखेंगे, उसके सिचुएशन को, कंडीशन को समझेंगे कैसा हालात है। नेक्स्ट स्टेप में जो भी साइट इंजीनियर होगा या जो भी सुपरवाइज़र होगा वहाँ पे, वो किसी भी इमरजेंसी एजेंसीज को कॉन्टेक्ट करेगा, एम्बुलेंस बुला सकता है, फर्स्ट एडर को बुला सकता है, जितने भी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड हैं, तो उन्हें कॉल करेगा वो। नेक्स्ट स्टेप में एम्बुलेंस या फर्स्ट एडर आएगा, या दोनों भी आ सकते हैं, विक्टिम को देखेंगे क्या कंडीशन है, अगर फर्स्ट एड के लायक है तो फर्स्ट एड देंगे। वैसे ये ड्रामा हम प्ले कर रहे हैं तो इसमें इस तरह कुछ केस होगा नहीं, लेकिन ये सारे हमें एक्ट प्ले करने हैं ताकि हम ये प्रैक्टिस में अपने रख सकें। देन आफ्टर हम विक्टिम को स्ट्रेचर पे लिटाएंगे, उसे शिफ्ट करेंगे वहाँ पे अपने वर्कर्स की हेल्प से।
ये सब करने के बाद हमारा मॉक ड्रिल जो है फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग गलती हो गया थोड़ा, तो ये मॉक ड्रिल यहाँ फिनिश होता है। तो ऐसे हम मॉक ड्रिल करा सकते हैं। हम कभी भी अगर मॉक ड्रिल कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले मीटिंग अरेंज करेंगे, वहाँ कौन क्या रोल प्ले करेगा ये सब समझाएंगे हम, उसके बाद ऐसे हम एक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है वर्कर्स के लिए, वो समझ पाते हैं कि अगर किसी तरह का हमारे साथ दुर्घटना हो गया तो हमें कैसे एक्ट करना है। तो मैंने समझाने का कोशिश किया आपको, आई होप कि वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।